बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जिस टॉपिक का नाम है मिरर फार्मूला। और ये आपको दिख पा रहा होगा कि हमने ऑलरेडी देख क्या होगा। और ये CBSE 12th का है, साथ साथ 10th में भी आता रहता है। 10th का भी डेरिवेशन था, बट हम लोगों ने अगर नहीं किया 10th में तो फिर 12th में पढ़ लें। और जो लोग 10th का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मिरर फार्मूला। सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ कि मिरर फार्मूला होता क्या है। तो मिरर फार्मूला एक रिलेशनशिप है ना, एक संबंध को बताता है। ये रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, यू के बीच में दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी के बीच में दैट इज योर इमेज डिस्टेंस, और थर्ड है आपका फोकल लेंथ यानी कि एफ। तो तीनों चीज के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कौन सा चीज, मिरर फार्मूला, है ना। और यानी यू भी एफ को रिलेशन को बताता है। और आपको ये बात पता होगी कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई एफ, है ना। ये चीज आप बहुत अच्छे भली बात ही जानते होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे। तो इसको देखें पहले कैसे आता है, कैसे इसका डेरिवेशन है, क्या फॉर्मूले निकल के आते हैं और क्या इनका मैग्निफिकेशन होता है, क्या टोटल रूल रेगुलेशन है जो हमको फॉलो करने हैं, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं। 1 बाई वी का मतलब क्या है, 1 तो आपको पता है 1 है, बट वी इक्वल्स टू क्या है आपके पास, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। कहां से, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस जहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। यू क्या है, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, है ना। पोल से क्या है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है। और एफ क्या है, एफ तो आपको पता ही होगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, है ना। इन तीनों चीजों के बीच का क्या बताता है, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है ना। और इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या चीज, मिरर फार्मूला। कैसा मिरर फार्मूला, ये सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे वो मिरर आपका कॉनकेव हो, चाहे वो मिरर आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। चाहे इमेज आपका रियल बने, वर्चुअल बने, इन्वर्टेड बने, इरेक्ट बने, हर चीज के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। हम आते हैं अब अपने डेरिवेशन पे, है ना। तो डेरिवेशन, सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर लिए, जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं, है ना। आप चाहें तो कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो लिख लीजिए यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर यानी कि मिरर फॉर्मूला जो हम डिराइव कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर के लिए, यानी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप हेडिंग दे दीजिएगा, और हेडिंग देने के बाद स्पीकर को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर लिया, पोल है यहाँ पे, फोकस है सेम डिस्टेंस पे, उतना ही डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा गया है ए बी है, और ए बी कहां रखा गया है, इस पोजीशन पे, पोजीशन मान ले आप एन, मान ले क्या मान ले, तो एन मान ले, एन पोजीशन पे आपको क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट एन पोजीशन पे रखा गया है जो कि बियॉन्ड द सी है, सी के पीछे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। और ये थोड़ी सी बात हमको पता होनी चाहिए कि जो भी डिस्टेंस लेंगे हम वो कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। तो जो पोल से डिस्टेंस लेते हैं, ध्यान से समझे, इधर पोल से डिस्टेंस कहां तक की, ऑब्जेक्ट तक की। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट की जाती है वो स्मॉल यू से की जाती है, इससे स्मॉल यू से। चलो भाई, अब दूसरा जो फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक का, पोल से फोकस तक का लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। और ये जो होती है यहां से फोकस तक की लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं, है ना। और जहां पे इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, उस इमेज फॉर्मेशन से लेके पोल तक के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वी,
तो सबसे पहले हम अपनी इमेज को फॉर्म करें, और इमेज को फॉर्म करने के बाद हम देखेंगे कहां पे इमेज फॉर्म हो रही है और कहां से कहां तक का डिस्टेंस हम लेने वाले हैं एज अ वी। ठीक है, चलो हमने सबसे पहले क्या करा, अपना इनिशियल स्टार्टिंग है ना, इनिशियल स्टार्टिंग जैसे बहुत पहले करते आए हैं कि एक इंसिडेंट को रे को इंसिडेंट कराएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको भेजेंगे कहां से, फोकस से, ठीक है ना। एंड सेकंड वन इज यहां से पोल पे कराएंगे, तो पोल से जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल पे क्या होगी, ये रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है, ऐसा कुछ। और थर्ड जो हम भेजेंगे वो कहां से भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं इस रे को, है ना, तो मिरर अगर ऐसे थोड़ा बड़ा ले लें इधर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न चली जाती है, ठीक है ना। ये आपको पता है कोई अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसी पाथ पे बैक रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमारा इमेज जो बनने वाला है ना, जो हमारा इमेज बनने वाला है वो कहीं इधर बनने वाला, थोड़ा सा ये डिफरेंट हो गया है रे डायग्राम, ये रे डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है ना। आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे है ना, क्योंकि स्केल के थ्रू ये बनता है तो ज्यादा आसान हो जाता है बनाना इसको। चलो ये हो गया हमारे पास और ये हो गया एक ये, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, रे डायग्राम को जो ड्रॉ करते हैं इधर इससे इधर, तो हम देखते हैं तीनों रे एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, मिल जाती है, है ना। और जहां पे तीनों रे एक पॉइंट पे मिल जाती है वहीं पे क्या होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, यानी इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये बी डैश और ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक है। और यहां से पोल तक की दूरी को हम लेंगे क्या चीज, यहां से पोल तक की दूरी को हम लेंगे स्मॉल वी, उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो आपको तीनों चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, ठीक है। तो तीन काम आपको करना है, पहला तो रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले जाना है, विच इज गोइंग टू द फोकस, एंड सेकंड वन इज अबाउट द पोल, तो जितना एंगल पे जाए उतना एंगल पे इंसिडेंट उतना ही पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपके यहां मिल जाएगी। और फाइनली हम लास्ट थर्ड रे को ले जाते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न हो जाएगी। हम देखते हैं कि तीनों रे एक पॉइंट मीट कर रही है, जिस पॉइंट को हमने नाम दिया ए डैश, और ये जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट हाइट है इतना, आपको पता है कि इधर रखा जाए तो छोटा बन रहा था, और बियॉन्ड द सी रखा जा रहा तो सी और एफ के बीच में बन रहा था, वो सेम इमेज है, यही है रे डायग्राम। अब यहां से जो ये डिस्टेंस है पोल तक की, क्या लेंगे हम, वी लेंगे। अब अपने हम थोड़ा सा देखते हैं साइन कन्वर्जन पे, है ना, साइन कन्वर्जन पे ध्यान देते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन मान लीजिए, साइन कन्वेंशन है ना, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर कोई रेड रे इंसिडेंट कराते हैं तो अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज ली जाती है, तो हमने माना कि रेड रे किधर से किधर इंसिडेंट हो रही है, तो इधर से किधर इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो तीनों चीज लेंगे वो तीनों चीज क्या लेंगे हम, इधर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लीजिए आप क्या चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u है, बट u को हम माइनस u की तरह लेंगे, इसके तरह माइनस u की तरह, बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। सेकेंड है आपका इमेज डिस्टेंस, क्या है, तो है इमेज डिस्टेंस, है ना। तो इमेज डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक भी है, बट इसको क्या लेंगे अब, फिर माइनस भी लेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि कभी भी आप जिधर से रे इंसिडेंट जा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में हम सारी चीजें लेते हैं तो हमेशा चीज निगेटिव होती है, और जिधर आप रे इंसिडेंट करा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में लेते हैं इस डायरेक्शन में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसी डायरेक्शन में तो निगेटिव। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर से कोई चीज लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेते हैं तो निगेटिव होती है, यानी कि ये एज अ क्वाड्रेंट बिहेव करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट एज अ क्वाड्रेंट बिहेव करता है। और क्वाड्रेंट का ओरिजिन क्या होता है, पोल, ठीक है ना। तो हम दो चीज ले लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, इमेज डिस्टेंस माइनस वी, है ना। अब लेते हैं हम फोकल लेंथ, क्या चीज लेते हैं, तो फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होती है, एफ है, बट हम माइनस एफ लेंगे क्योंकि हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है ना। और फाइनल लास्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास, है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको पता होगा क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहां से कहां तक का,
तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हम माइनस आर लेंगे, है ना, क्योंकि इसी साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले साइन कन्वेंशन हो गया। अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ, ठीक है ना। तो हमने एक मार्जिन लगा दिया, अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। चलो सबसे पहले देखते हैं डेरिवेशन कैसे करें। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले दो ट्रायंगल्स, है ना। तो एक ट्रायंगल का नाम दिया हमने ए बी सी, ये वाला, है ना, ये वाला ट्रायंगल को हम ले ले ए बी सी, और दूसरे को ले ले ए डैस बी डैस सी, यानी कि ये वाला। एक तो हम ले ले ऑब्जेक्ट का वाला और एक ले ले इमेज वाला, ठीक है ना। तो हम क्या देख पाते हैं यहां से कि दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, और दोनों में ये एंगल भी इक्वल है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। तो बाई ए एस ए सिमिलैरिटी, है ना, क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अगर लगा दें हम तो हमारे पास क्या मिल जाते हैं, ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वाला ट्रायंगल और दूसरा जो ट्रायंगल है वो मिल जाता हमारे पास ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी, है ना, ए डैश बी डैश और सी, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। अब हम देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब क्या अगर थेल्स थ्योरम लगाएं तो ये इक्वल्स टू ये जो होगा इसके सिमिलर होगा, यानी अगर थेल्स थ्योरम लगाते हैं हम, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बताया जा सकता है कि ध्यान समझिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू बी डैश सी, यानी बी डैश सी अपॉन बी सी, ये बताया जा सकता है अकॉर्डिंग टू, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ठीक है, ये बता सकते हैं। चलो भाई अब ये हमें पता चल गया कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल होगा बी डैश सी के, यानी कि बी डैश सी, यानी ये चीज, ठीक है ना। अब ये चीज क्या है भाई, अब ये चीज हमें पता करना है क्या, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गई कि अगर यहां से ये लेते हैं टोटल आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस क्या है आर है, और ये डिस्टेंस क्या है इमेज डिस्टेंस, तो टोटल आर में से अगर इमेज डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, यानी कि टोटल आर में से, किसमें से, टोटल आर में से, यानी कि हम क्या लेंगे, माइनस आर लेंगे ना, साइन कन्वेंशन का ध्यान देंगे तो माइनस आर लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, क्या घटाना है हमें, तो घटाना है हमें क्या चीज, इमेज डिस्टेंस, यानी कि वी को घटाना है, तो वी को माइनस कर देंगे, है ना, ये चीज करेंगे क्या चीज, माइनस आर, फिर माइनस वी, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज पता चल जाएगी, टोटल किसमें से, रेडियस ऑफ कर्वेचर में से इमेज डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये चीज पता चल जाएगी, ठीक है। अब बीसी वैसे सोचो, अब बीसी क्या है ना, तो बीसी क्या है, तो BC जो है वो टोटल ये चीज है, यहां से यहां तक क्या है BC है। अब BC पता करने के लिए क्या करना होगा, B से P तक, B P माइनस PC, है ना, B से जो P डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस टोटल क्या है, तो हमारे पास पता चल गया कि माइनस U है, क्या है, माइनस U है। अब ये डिस्टेंस हमें माइनस करना है तो ये तो डिस्टेंस माइनस आर है, तो माइनस माइनस आर, तो ये हमें पता चल गया, क्या मिलेगा हमें, माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ये चीज मिल गई। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्या बोल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, अब फिर से दूसरे ट्राइंगल, दूसरा इक्वेशन बना लीजिए, है ना। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाए सर, एक तो बन गया हमारे पास, और दूसरा कौन सा बनाए, है ना। तो दूसरा जैसे कि हम देख पाते हैं कि ए बी पी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी पी, है ना, तो वही काम, फिर इसमें भी ये राइट एंगल और फिर ये भी राइट एंगल, है ना। तो ए बी पी ये वाला ट्रायंगल विल इक्वल टू ए डैश बी डैश पी, है ना,
तो अब मिला हमें सिमिलरली सिमिलरली क्या करें हम फिर दो ट्रायंगल को इक्वल करते हैं। अब वो दो ट्रायंगल कौन आने वाला है तो ए बी पी सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल दैट इज ए डैश बी डैश पी ए डैश बी डैश पी है ना। दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर कर दे सिमिलर तो कर दिया भाई है ना। और जब सिमिलर कर दिया तो फिर इसमें कुछ मिलना चाहिए हमें जब सिमिलर कर दिया तो इसमें कुछ मिलना चाहिए तो पहले में क्या मिल रहा है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी सेम वही यानी कि ए डैश बी डैश ये रहा अपॉन ए बी ये रहा है ना। अब ए डैश बी डैश तो ये है तो इसका डिस्टेंस तो ए होगा क्या चीज तो बी डैश पी होगा है ना क्या होगा तो बी डैश पी बी से डैश से पी तक अपॉन बी पी अपॉन क्या हो जाएगा बी पी हो जाएगा ठीक है। अब बी डैश से पी तक की डिस्टेंस क्या है वो समझो बी डैश से पी तक की डिस्टेंस क्या है वो समझिए तो बी डैश से पी तक की डिस्टेंस क्या है वी है इसका मतलब क्या है ये माइनस बी होगा अपॉन बी पी क्या है तो बी से पी तक का डिस्टेंस क्या है यू है तो क्या होगा माइनस यू। अभी हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया और ये भी किसके द्वारा आया अकॉर्डिंग टू बीपीटी अकॉर्डिंग टू बीपीटी बीपीटी आप कल पढ़े होंगे है ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं सिमिलर होती आती है ठीक है। तो यहां का हमारा फंडा आ गया। अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन को तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और सेकंड इक्वेशन को देखें तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड तो इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन अगर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को ले ले हम तो हमारे पास एक चीज नजर आएगी माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर इक्वल टू ये इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस यू तो यू वी अपॉन यू आ गया हमारे पास क्या आया वी अपॉन यू आ गया ठीक है। ये जरूर बात बहुत अच्छा बहुत सही आ गया ये। अब इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आता है देखें इसे समझें तो इधर आ जाएगा माइनस यू इंटू आर प्लस यू इंटू वी इक्वल्स टू माइनस यू इंटू वी प्लस वी इंटू आर है ना वी और यू में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको ये रहा ठीक है। चलो इतना तक तो आ गया भाई अब हम फिर आगे क्या करें तो हमारे पास ये है माइनस यू आर अगर इसको इधर लेके आए तो माइनस वी आर इक्वल्स टू माइनस यू वी फिर माइनस यू वी इसको इधर लेके चले आए क्या जाएगा माइनस यू वी तो हमने क्या किया इसको इधर छोड़ दिया इसको वी आर को एक साइड लेके तो माइनस आ गया इसको फिर इधर छोड़ दिया इसको इधर लेके चले तो माइनस यू वी आ गया ठीक है। माइनस को कैंसिल आउट करा देंगे हम है ना कॉमन लेके तो आ जाएगा हमारे पास यू आर प्लस वी आर इक्वल्स टू टू यू ये सीधा रहेगी है ना। अब हम क्या करेंगे अब सोचो तो अब हम पूरे इक्वेशन को हमारा जो ये लास्ट इक्वेशन बना है इस पूरे इक्वेशन को यू वी आर से डिवाइड कर देंगे किससे यू वी आर से डिवाइड कर देंगे है ना। तो ऑन डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाय यू वी कैपिटल आर है ना यू तो स्मॉल होगा वी भी स्मॉल होगा बट आर क्या होगा कैपिटल होगा तो कर दो तो यू आर प्लस यू वी यू आर अपॉन यू वी आर प्लस है ना प्लस करेंगे फिर वी आर अपॉन यू वी आर इक्वल्स टू टू यू वी अपॉन यू वी आर इतना कर लें आप। उसके बाद अब क्या करेंगे हम वहां से डिवाइड करने के बाद यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो यू आर यू आर वी आर वी आर यू वी यू वी तो इधर क्या बचा वन बाई वी दिख रहा होगा वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स टू टू बाई आर बचा है ना। अब आपको एक रिलेशन बहुत पहले से पता होगा कि ये रिलेशन हमें बहुत पहले से पता है बता देंगे वी नो दैट है ना हम एक चीज जानते हैं वो चीज क्या जानते हैं कि R इक्वल्स टू होता है 2F ये चीज तो पता होगी
कि रेडियस जो होता है वो फोकस का डबल होता है, या फिर वही काम है, फोकस जो होता है रेडियस का हाफ होता है, दोनों बातें सेम है। तो हम क्या करें, अब इसकी वैल्यू यहां पे रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि 1 बाई वी, ध्यान से समझेगा क्या हो गया, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 2 बाई आर, आर की वैल्यू 2f, 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई स्मॉल f। और ये क्या बताता है कि अगर 1 बाई ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना, तो लिख लो आप अच्छे से कि 1 बाई इमेज है ना, 1 बाई इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ है ना। ये क्या बताया हमें, तीन चीजों के बीच में रिलेशन को डिराइव किया, पहला था इमेज डिस्टेंस क्या कहां से कहां, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तीन चीजों के बारे में क्या करता है, रिलेशनशिप को जॉइन करता है, ठीक है। तो हमने बस किसके लिए बताया, कॉनकेव मिरर के लिए बताया, आप कॉनकेव मिरर के लिए तो कर ही लेंगे अच्छे से, ये चीज समझ में आ गई होगी, तो आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए खुद से भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना, खुद से भी ट्राई करेंगे, बेसिक सारा ऐसे ही है, सारा चीज ऐसे ही है, सिमिलरली दोनों को सेम दिखाएंगे।